हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ पे सिप्ला के रिक्रूटमेंट के बारे में। सिप्ला कंपनी के बारे में आप सभी को पता होगा। सो यार, इस कंपनी में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशन पे, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। एंड आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं सिप्ला कंपनी में नई भर्ती आ गई है। सिप्ला कंपनी में बंपर भर्ती आ गया है। काम 8 घंटे का होगा, काम शिफ्टिंग के हिसाब से होगा। मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट बोथ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपको हैंडसम मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के रूल के हिसाब से। बाकी यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे नो फीस है। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सिप्ला कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। बाकी यहाँ पे दोस्तों टोटल देख सकते हो 51 जॉब्स है, यानी कि 51 जॉब्स निकाला गया है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशन पे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियर का जॉब देखने को आपको मिलेगा, जूनियर टीम मेंबर का जॉब देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सीनियर फैक्ट्री फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का भी जॉब आपको देखने को मिलेगा, जूनियर ऑफिसर का जॉब देखने को मिलेगा। ऐसे से करके टोटल यहाँ पे दोस्तों 51, जी हाँ दोस्तों 50+ ओपनिंग निकाला गया है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशन पे, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि यहाँ पे सिप्ला कंपनी में किस किस पोस्ट पे जॉब आया है, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आपको यहाँ पे कैसे निकालना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आवेदन कैसे करना है, फॉर्म भर के कैसे सबमिट करना होगा, ये सब भी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। बस क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। अब आपको करना क्या है, सिप्ला कंपनी का जॉब का डिटेल निकालने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECH टेक JOB, इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करोगे तो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा। पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं, pixeltech12.blogspot.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब्स के आर्टिकल्स अपडेट देखने को मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें सिप्ला कंपनी का जॉब का डिटेल निकालना है। सो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है सिप्ला CIPLA। जैसे आप यहाँ पे सिप्ला सर्च करेंगे तो यहाँ पे सिप्ला के रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल आ जाएगा। आपको लेटेस्ट वाले पे क्लिक करना है, जैसे कि ये देख सकते हैं, फेब के महीने में अपडेट किया गया है 2024 का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। इस आर्टिकल में आपको रिक्रूटमेंट के बारे में काफी कुछ जानकारियां मिल जाएगा, जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको आवेदन करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो देख सकते हैं सिप्ला कंपनी में रिक्रूटमेंट आ गया है। अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन होगा फॉर मल्टीपल वैकेंसीज, यानी का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे भर्ती निकाला गया है, यहाँ पे आपको मल्टीपल पोस्ट पे जॉब देखने को मिलेगा अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग यहाँ पे पदों पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको आवेदन ऑनलाइन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 50+ वैकेंसीज है। जो प्रोफाइल मल्टीपल वैकेंसीज मल्टीपल लोकेशंस पे है, अप्लाई मोड ऑनलाइन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट और यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एज यहाँ पे 18+ मांगा गया है। देखो यार, किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर में जॉब करने के लिए एज कम से कम 18 या फिर 18+ होना चाहिए। सो आपको अधिक जानकारी के लिए जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल जरूर वेरीफाई कर लेना है, जो कि आगे आपको मिलेगा। बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पे GD इंटरव्यू टेस्ट होगा, जो भी कंपनी के रूल के हिसाब से होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, हर एक पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन। अधिक जानकारी के लिए जॉब प्रोफाइल वेरीफाई करिए ऑफिशियल। बाकी यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी ऐसा शो नहीं किया गया है, बट आपको गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। बाकी लास्ट डेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, सो आपको फटाफट अप्लाई कर लेना है। कैसे करना है अप्लाई, सबसे पहले आपको ये आर्टिकल अच्छे से रीड कर लेना है, काफी कुछ जानकारी मिल जाएगा। पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको अप्लाई का लिंक। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जॉब का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल्स जॉब्स के ओपनिंग देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे सर्च जॉब्स के बटन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है आप लोगों के सामने आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। 51 जॉब्स यहाँ पे है अलग अलग पोस्ट पे, जैसा कि देख सकते हैं। पैकेजिंग मैनेजर का जॉब है, इंजीनियर का जॉब देखने को मिलेगा, जूनियर टीम मेंबर का जॉब है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं QC कोऑर्डिनेटर का जॉब देखने को मिलेगा, टीम मेंबर का जॉब है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर फैक्ट्री फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का भी जॉब देखने को मिलेगा, जूनियर ऑफिसर का जॉब है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 51 जॉब आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है, अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, किसी भी पोजिशन का आपको डिटेल देखना है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। मैं आप लोगों को डेमो के लिए एजुकेशन के लिए बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम आपको अप्लाई करना सिखा सकें। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे जूनियर ऑफिसर का जॉब है।
और ये कर्नाटका लोकेशन का जॉब है। अगर इसके लिए करना अप्लाई तो हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट का, इस पोजीशन का, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं डिवीज़न क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होगा, जॉब का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, बैचलर इन फार्मेसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस भी बताया गया है, स्किल्स क्या क्या होना चाहिए ये भी मेंशन है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जो आप अच्छे से रीड कर लेना। और अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, सिंपल सा काम है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना होगा, और जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है कि आप लोग अपना जीमेल पासवर्ड देकर साइन इन करके अप्लाई करो। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस पेज पर विजिट किया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है, यानी कि रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना जीमेल देना है, रीटाइप ईमेल करना है, एक पासवर्ड देना है जिसके थ्रू आप लॉगिन करोगे, रिपीट पासवर्ड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, और यहाँ पे इसका कुछ टर्म्स और कंडीशन है जो कि आपको रीड कर लेना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जीमेल पासवर्ड एंटर करना है जिसके थ्रू आप लॉगिन करोगे, तो हम यहाँ पे अपना जीमेल पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि हमने यहाँ पे रजिस्टर करते समय दिया था। यहाँ पे हमने अपना जीमेल पासवर्ड एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस बार हम लोगों के सामने एक अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ गया, अब आवेदन फॉर्म, अप्लाई फॉर्म आ गया है, कैंडिडेट प्रोफाइल है जो कि आपको एक बार अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम ऑलरेडी एंटर है, बाकी आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कैंडिडेट आईडी है, फोन नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं है तो फोन नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एंटर है, बाकी यहाँ पे इसके बाद मेन पॉइंट आता है रिज्यूम का। सो आपको यहाँ पे क्लिक करके, चूज फाइल पे क्लिक करके अपना यहाँ पे सीवी रिज्यूम अपलोड कर देना है, क्योंकि आपका रिज्यूम से ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी देखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने डेमो के लिए कुछ भी अपलोड कर दिया है, बस आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो कोई भी। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, और इसके बाद यहाँ पे ऐसा अपलोडेड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, इसके बाद आपका यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद, आपका रिज्यूम अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में आप अल्टरनेटिव फोन नंबर दे सकते हैं, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर में बता सकते हैं, कंट्री, स्टेट और एड्रेस आपका क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना है, देना है, ठीक है। सारा डिटेल आपको फिलअप करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल आपको देना होगा, सारा डिटेल देके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अप्लाई होगा, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो आप लोग जस्ट एक क्लिक में ही अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे सिप्ला कंपनी में जॉब के लिए, नौकरी के लिए। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है, बाकी कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। एंड हाँ, जाते जाते एक जरूरी जानकारी दे दूँ, कभी भी अगर आपको कोई कॉल करके, मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करे, बोले हम इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं, इतना पेमेंट सेंड करिए, ये ओटीपी बताइए, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा या फिर ओटीपी का लेन देन नहीं करना है। बाकी मिलेंगे हमने जो अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।